आभार ज्ञापित करती हूँ। आज हमारे बीच जो हमारी पहली मेहमान है, पहली कवयित्री हमारे बीच है, वो है आदरणीय निशा भार्गव जी। जी नमस्कार। अजमेर राजस्थान में पली बढ़ी निशा भार्गव जी, जो कि अर्थशास्त्र में एमए हैं, एक अत्यंत ही मेधावी छात्रा रही, जिन्होंने न सिर्फ महाविद्यालय में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किए, बल्कि 8 वर्षों तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। विविध मंचों पर काव्य पाठ करने के साथ साथ निशा जी ने 1996 में राष्ट्रपति भवन में भी काव्य पाठ किया और आदरणीय विमला शर्मा द्वारा सम्मानित हुई। आपके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें बसंत बयार, तिनके तिनके, हेर फेर, खुशियों का एल्बम, मेरी सरस कविताएं आदि प्रमुख हैं। आपको सम्मानों की श्रृंखला आपकी जो है वो बहुत ही लंबी है, जिसमें से कविता विदुषी पुरस्कार, हरिशंकर परसाई राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति सम्मान, निराला सम्मान आदि प्रमुख हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार जुड़ी रही जी हैं। आपकी पुस्तकों पर शोध और लघु शोध भी हुए हैं। मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। कहाँ हैं ऐसे लोग जो निष्प्रह रण में जूझते जाते हैं, पर हित में निज हेतु त्याग कर प्यार बांटते जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से, आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से, आओ इनका स्वागत करके जीवन सफल बनाते हैं, आओ इनका स्वागत करके जीवन सफल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत निशा जी आपका, सादर जी नमस्कार। नमस्ते प्रीति जी, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कुछ पंक्तियां मैं भी अपनी तरफ से अपने परिचय में जोड़ती हूँ कि जब से मैं बनी कवयित्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता, प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। ओहो, पहले जब मैं उन्हें एक कविता सुनाती थी, सच मानिए 100 रुपए देकर जान छुड़ाती थी, पर अब व्यस्तता का करते हैं बहाना, महंगाई का मारते हैं ताना, कहते हैं खुले आम खाली नहीं हूं, मुझे बहुत है काम, 500 रुपए होंगे एक कविता सुनने के दाम। तो मेरी मजबूरी अब तक आप भांप गए होंगे और 500 रुपए का भुगतान भी जान गए होंगे। मैं भी प्रति कविता 500 रुपए देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का 8-10 सुना जाती हूँ मुफ्त। मैं उनके बहुत खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वह मेरी कविता पर बजाते हैं ताली। अब इसके साथ ही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ अगली कविता, जो है पप्पू पास गया, जिसमें हमें देखना यह है कि यह पप्पू पास कैसे हुआ। क्योंकि मैं स्वागत है हास्य आपका व्यंग लिखती हूँ, इसलिए जी। उसी व्यंग विधा में आपको पप्पू को मैं पास करवाती हूँ कि सड़क पर चक्का जाम हो गया, ये अंजाम बहुत आम हो गया, मीडिया भगवान हो गया, देश का कर्णधार हो गया, पर पप्पू तो पास हो गया। सबको काम ही काम हो गया, दफ्तर दुकान ही धाम हो गया, सुख चैन का इंतकाल हो गया, ईमानदारी का अकाल हो गया, पर पप्पू पास हो गया। भ्रष्टाचार का ऊंचा ग्राफ हो गया, पैसा है तो सब माफ हो गया, तनाव का घेराव हो गया, महंगाई का सैलाब हो गया, पर पप्पू पास हो गया। पप्पू पास हो गया। बहुत खास हो गया, पप्पू बहुत खास हो गया, क्योंकि वह पास हो गया। कोई नहीं जानता पप्पू की क्या है एज और क्या है उसकी परसेंटेज, पर उसकी पहुंच की बहुत दूर तक है रेंज, इसीलिए पप्पू पास हो गया, इसीलिए वाह पप्पू वाह, क्या पास हो गया। बात जी है, पप्पू पास हो गया, बहुत खूब। धन्यवाद। अब मैं देश की विषम परिस्थितियों का चाहती हूँ आप लोग जायजा लें मेरी कविता बंटाधार में, कि जब दरकने लगती है नींव, सरकने लगती है ईंट, टूटने लगते हैं आधार, छूटने लगते हैं संस्कार, तो होता है बंटाधार। जब विश्वास को लगे ठेस, ईमान बेईमान का नहीं जान पड़े भेद,
न्याय पर लटके तलवार और फले फूले भ्रष्टाचार, तब देशभक्त हो जाए लाचार, जब देशभक्त हो जाए लाचार तो होता है अंधाधार। जब रिश्वत खोरों की बढ़ती है प्रतिष्ठा, टूटने लगती है न्याय से निष्ठा, सच होने लगता है शर्मिंदा, चापलूसों की होती है जय जयकार, ऐश करते हैं कामचोर और मक्कार, तो होता है बंटाधार। नाव की टूटने लगे पतवार, लालच के मारे टपकने लगे लार, नफरत बन जाए पहरेदार, टूटने लगे घर परिवार, स्वार्थ बन जाए हिस्सेदार, तो होता है बंटाधार। अहंकार अत्याचार करे मनमानी, स्वाभिमान हो जाए पानी पानी, भूखों की लग जाए कतार, आंखें बरसें जार जार, हिंसा आतंक करें वार पर वार, तो होता है बंटाधार। जब खिसियानी बिल्ली नौचे खंबा, हर काम में वर्दी धारी लगाएं अड़ंगा, गद्दारों की होने लगे मौज, कायरों की बढ़ जाए फौज, दल बदलुओं की होने लगे भरमार, तो होता है देश का बंटाधार। जब बुजुर्गों के साथ हो दुर्व्यवहार, सिसकने लगे सदाचार, गंदे भद्दे मिले समाचार, घोटालों का हो विस्तार, सर पर हावी हो अहंकार, हया शर्म होने लगे शर्मसार, तो होता है बंटाधार। जब हर जगह हो रहा हो बंटाधार, तो कैसे होगा देश का उद्धार, तो कैसे होगा देश का उद्धार। बहुत खूब, बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर और यथार्थवादी सृजन आपने समस्त देश की परिस्थितियों का एक यथार्थ परक चित्रण करके रख दिया, बहुत खूब। और हमारे साथ जो दर्शक गण जुड़े हुए हैं और आपके काव्य रस का रसा स्वादन कर रहे हैं, मैं एक बार उनको हृदय तल से आभार उनको देना चाहूंगी। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, विभा जी, योगिता त्यागी खलीफा जी, आदरणीय नीलम वर्मा जी, वीना जी, नीरजा अत्री जी, आदरणीय स्वदेश चरोरा जी और सुनीता बंसल जी, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप हैं तो हमारा कार्यक्रम सज रहा है, सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी अगली रचना की ओर हम चलते हैं। जी, मैं भी अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये सर्दी का मौसम है, इसलिए बड़ी छोटी सी बात कहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या करूँ, ठंड कड़ाके की है, ठंड कड़ाके की है, मोजे चप्पल जूते पैर से उतरते ही नहीं, मैं क्या करूँ, मेरे पैर धरती पर पड़ते ही नहीं, मेरे पैर धरती पर पड़ते ही नहीं। वाह वाह। जो छोटी सी रचना सुनाने जा रही हूँ वो है छप्पन से अपनापन। उम्र के 56वें साल में, उम्र के 56वें साल में, सेहत के खस्ता हाल में, लोगों ने हमें 5660 बातें सुनाई, झोला छाप मरीज कहकर चिढ़ाया, एक 56 कहकर भी हमें भड़काया, पर हमें भी अपने को 56 छुरी कहकर दलेरी से पीछा छुड़ाया, दलेरी से पीछा छुड़ाया। आइए अब हम बात करते हैं और याद करते हैं यादों को। कविता का शीर्षक भी है यादें। अभी मैं देख रही थी हरीश नवल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी जी जी, भाग्य है, हो भाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनके कमेंट भी आ रहे हैं। ये कविता है यादें। बातों बातों में यादों में खो जाते हैं, बातों बातों में यादों में खो जाती हूँ, अक्सर उनसे बतियाती हूँ, गपियाती हूँ, यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं, फ्लैशबैक से जोड़ती हैं, स्मृतियों का झरोखा खोलती हैं, मुझसे चटर पटर बोलती हैं, बात बात पर यादों की आती है याद, यादें हमसे करती हैं संवाद, मेरे पास यादें हैं बचपन की और पचपन की, जीवन की सुहानी सरगम की, लगता है कभी कभी, लगता है कभी कभी यादों की उम्र मुझसे भी बड़ी हो गई है, यादें बुजुर्ग और परिपक्व हो गई हैं। तभी तो सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ती हैं यादें, विषमता में भी साथ निभाती हैं यादें, भूत और वर्तमान से मिलाती हैं यादें, कभी धुंधलाती हैं कभी गले पड़ जाती हैं यादें,
यादें आजकल मेमोरी कहलाती हैं, कंप्यूटर मोबाइल में जगह बनाती हैं। यादों से हमारा पुराना नाता है वो तो भरा पूरा बही खाता है। यादें लाजवाब कृति हैं, सदाबहार अतिथि हैं। यादें चिट्ठी हैं, देश की मिट्टी हैं। यादें ईमेल और एसएमएस हैं, उधार नहीं सदा कैश हैं। यादें पेंशन हैं, सहारा हैं, एकांत में गुजारा हैं। हम सबके पास है यादों की मंजूषा, हम सबके पास है यादों की मंजूषा। यादों का बसंत और यादों का जमघट, यादों पर नहीं आता पतझड़, यादों पर नहीं आता पतझड़। अब बहुत इसके बाद खूबसूरत, जी जी बहुत खूबसूरत यादों का समा बांधा आपने। और हमारे साथ अर्चना बामनगया जी, राकेश जी और आदरणीय हरीश नवल सर, सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और एक आप बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रही हैं, बहुत सुंदर हमारा मंच सजा हुआ है। चार पंक्तियां मैं कहती हूँ आज के इस आयोजन के लिए कि नवल चंद्र की आभा चमके, नवल चंद्र की आभा चमके, सजे काव्य संसार, कविताओं से माँ वाणी का करने को सत्कार, कविताओं से माँ वाणी का करने को सत्कार। वाह 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 निशा प्रभा पूनम सरिता से सजे आज की शाम, निशा प्रभा पूनम सरिता से सजे आज की शाम, चंद्रकांता बबीता के संग प्रीति करे प्रणाम, चंद्रकांता बबीता के संग प्रीति करे प्रणाम। बहुत वाह सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ। और जी आपकी अगली रचना की ओर हम सब चलते हैं। प्रीति जी, आपका संचालन बहुत सुंदर चल रहा है। मैं पुनः अपने श्रोताओं को धन्यवाद देती हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए। बहुत उन्हीं से धन्यवाद मेरी मैम। हौसला अफजाई होती है। और अगली एक दो कविताएं बहुत छोटी छोटी सुनाऊंगी। ये जी कविता है अंजाम। बहुत ऊंचा वह पहुंचा जुगाड़ से। ध्यान दीजिए कि जुगाड़ से, बहुत ऊंचा जी वह पहुंचा जुगाड़ से, जीने लगा बड़ी शान से, पर चंगुल में फंसा, जल्दी ही गिरा धड़ाम से। अगली और छोटी कविता, खाते और बातें। कि खाते खाते और खाते, खाते खाते और खाते, लोगों के खुल जाते हैं खाते, गुपचुप खाते, बड़े बड़े खाते, मोटे मोटे खाते, और हम करते रह जाते हैं बातें बातें और बातें। बात जी अब मैं रिश्वतखोरी की ओर इशारा करती हुई कविता आपको सुनाती हूँ, जिसको मैंने शीर्षक दिया है आर्थिक धन्यवाद। कृतज्ञता ज्ञापन का साफ सुथरा और व्यवहारिक तरीका है हार्दिक धन्यवाद। कृतज्ञता ज्ञापन का साफ सुथरा और व्यवहारिक तरीका है हार्दिक धन्यवाद, जो ना तो दिल से दिया जाता है ना लिया जाता है, लेकिन आर्थिक धन्यवाद बेहद नम्रता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक स्वीकारा जाता है, अंतरतम की गहराइयों से आभार समेत स्वीकारा जाता है, अंतरतम की गहराइयों से आभार समेत स्वीकारा जाता है। बहुत सुंदर। मैं फिर लौटती हूं छोटी रचना पर, कि जेब में पैसा रखिए बिन पैसे सब सून, पैसे बिना करे ना कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या नून। और फिर एक छोटी रचना, जी न्यूज व्यूज। कपड़े टाइट कैरेक्टर लूज, कपड़े टाइट कैरेक्टर लूज, ड्रेस वाइट काली करतूत, नित नई फाइट नए नए एक्सक्यूज, हमेशा कंफ्यूज, यही है आजकल की न्यूज। आपके क्या है व्यूज, आपके क्या है व्यूज। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। जी धन्यवाद। और अब मैं चर्चा करती हूँ रामायण के एक पात्र की, जिसका नाम है शूर्पणखा। कविता स्वागत। को मैंने शीर्षक दिया कटी कटी। शूर्पणखा की नाक एक बार कटी, शूर्पणखा की नाक एक ही बार कटी, वह तिलमिला गई, आक्रोश में आ गई, रावण को झूठा सच्चा भिड़ाया, सीता अपहरण के लिए उकसाया,
पर आजकल तो हर अगले की नाक कटती है और हर अगले दिन नई उगती है जो पहले से भी लंबी होती है। बेशर्मी की भी हद होती है, बेशर्मी की भी हद होती है। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत ही यथार्थ परक और एक तरह से कह सकते हैं कि समाज के उस सच को उजागर करती हुई आपकी रचनाएं हैं जिन पर शायद ही कुछ लोग लिखते हैं, लिखने का साहस कर पाते हैं। बहुत खूबसूरत जी। जी जी शुक्रिया। अब मैं ये कहना चाहती हूँ मित्रों कि ऋतुराज बसंत की सबको प्रतीक्षा रहती है, तो मैं फिर 4 लाइन की छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बसंत। स्वागत। बसंत बाजार में बिकता नहीं, बसंत बाजार में बिकता नहीं, किसी किसी को दिखता नहीं, यह तो नजरों की ही खराबी है, वरना बसंत तो हर ताले की चाबी है। बंद आंखों में भी बसंत दिख जाएगा, पर बंद तालों में बसंत कभी नहीं आएगा, बंद तालों में बसंत कभी नहीं बंद तालों में बसंत कभी नहीं आएगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आएगा। और हमारे साथ निशी अरोड़ा जी, सुनीता बंसल जी, नीलम जी, भूमिका जैन भूमि जी, मैजिक मैन एन चंद्रा जी, नीता जोशी जी, सभी आपका की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। शकुंतला जी, रमा सिंह जी, वो लिख रही हैं कि निशा जी की छोटी छोटी कविताएं सार गर्भित होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे पटल से जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। और आइए अब आपकी अगली कविता की ओर चलते हैं। जी सभी का मैं भी धन्यवाद करती हूँ और विशेष धन्यवाद विभूति भार्गव का करती हूँ जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जी, और बाकी आप सब तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। अब जो जी कविता सुना रही हूँ वो है मर्ज। एक नेताजी ने सारे चेकअप कराए, रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने रिपोर्ट के बारे में समझाया, पर बेचारे नेताजी को कुछ भी समझ ना आया। फिर डॉक्टर ने आदरणीय नेताजी को उनकी भाषा में मर्ज समझाया। आपका कोलेस्ट्रॉल आतंकवाद की तरह बढ़ गया है, आपके दिमाग में पैसे का भूत फंस गया है, आपकी किडनी बदला बदली हेरा फेरी के मूड में है, भ्रष्टाचार बेईमानी आपके फूड में है, आपकी जुबान भाषणबाजी के बिना हकलाती है, आपकी तोंद घोटालों की तरह नजर आती है, आपकी तोंद घोटालों की तरह नजर आती है, आपके जोड़ ट्रैफिक की तरह जाम है, आपकी शुगर का महंगाई सा ग्राफ है, आपके लिवर को खाने डकारने का फीवर है, आपका दिल इस्तीफा देने वाला है, पेट में 400 BC का कीड़ा है, संसद के हंगामे और मारपीट से आपके हाथ पैरों में पीड़ा है, आप कर लीजिए जितनी भी करनी है उठा पटक, आपका जीवन है 5 साल तक, आपका जीवन है 5 साल तक। बहुत खूब। बीमारियों और राजनीति और समाज की विसंगतियों को जिस तरह से आपने काव्य में पिरोया है वो वाकई अप्रतिम है। पल्लवी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, निशा भार्गव जी और नीलू मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सभी आपके काव्य पाठ की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। विभूति जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। अरुण भार्गव जी भी जुड़े हैं। सभी दर्शकों का जो भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चंदर अश्री जी, और यदि किसी का नाम लेना रह जाए, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी नाम निकलते हैं तो भूलवश यदि किसी का नाम रह जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी, लेकिन आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आप सबके आने से ही आज इस कार्यक्रम की जो शोभा है वो दुगनी चारगुनी हो रही है। और आइए आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी मैं भी सबका धन्यवाद करते हुए अगली कविता सुनाती हूँ। विचित्र लड़ाई। जी स्वागत। दो सहयोगी थीं कुछ अटपटी, दो सहयोगी थीं कुछ अटपटी, दोनों में कभी नहीं पटी, वे मित्रता का करती थी दिखावा, लड़ाई होने पर उगलती थी लावा, दोनों में एक थी ठेठ गंवार, दूसरी पढ़ी लिखी और समझदार। छोटी सी बात पर चिढ़कर और चिल्लाकर गंवारन कहती थी मुंह बिचकाकर, तुझे काला कुत्ता काट खाए, पेट में मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाए, तू मोटी काली और बेडौल हो जाए, गोरेपन की क्रीम ढूंढते रह जाए। फेसबुक पर तेरे फॉलोअर्स घटे, तेरा वजन कभी ना घटे,
इंस्टाग्राम पर तेरी फोटोज कभी ना हो हिट, सेहत तेरी कभी ना रहे फिट, डिजाइनर कपड़ों पर भी कोई कॉम्प्लीमेंट ना मिले, अच्छा सा अच्छा कलर भी तुझ पे ना खिले, व्हाट्सएप ग्रुप से तुझे जाए निकाला, तेरी दाल में हो काला ही काला, अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ना मिले कोई डील, लंगर में खाती रहे फ्री का मील। गवारन बड़ी देर तक निकालती थी भड़ास, तब कहीं लेती थी एक सांस, पढ़ी लिखी पड़ोसन गवारन को मानती थी मंत्रा साक्षात, उसके मुंह लगना उसकी नहीं थी औकात, पर गवारन कहे बिना नहीं रहती थी कड़वी बात, जब तब बिन बात गालियों की करती थी बरसात, कहती थी तू ट्रक से टकराए ट्रैफिक जैम में फंस जाए, तेरी ट्रेन निकल जाए, बर्थडे पर तुझे कोई विश ना करे, वैलेंटाइन डे पर कोई किस ना करे। तू घर की रहे ना घाट की, जवानी में लगे साठ की, तेरा क्रेडिट कार्ड हो जाए गुम, मोबाइल का खो जाए सिम, तुझे नौकरी से किया जाए सस्पेंड, और तुझे मिले झल्ला सा हस्बैंड। सब सुनकर भी अनसुना करके पढ़ी लिखी पड़ोसन बोली, लाल पीला होने से सब्र का बांध टूट जाता है, अच्छे से अच्छा रिश्ता रूट जाता है। वह बोली, देखो मुझे भी लड़ना आता है। मुझे ना समझो अनाड़ी, मेरी लड़ाई तुमसे भिन्न है, तुम पर तो बड़ा लड़ने का जिन्न है। हाँ ये सच है, मैं लड़ना चाहती हूँ पूरी ताकत से, लड़ना चाहती हूँ गरीबी से, अपराध से, दहेज के शाप से, भ्रष्टाचार के विलाप से, बेईमानी के सैलाब से, आतंकवाद के तनाव से, रिश्वत की भिक्षावृत्ति से, सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति से, गुनाह की वृत्ति से, मैं लड़ना चाहती हूँ कर्मकांड की पीड़ा से, अंधविश्वास की लीला से, आडंबर प्रपंच की सीमा से, मैं लड़ना चाहती हूँ, भिड़ना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ भिड़ंत, मैं लड़ना चाहती हूँ बेबसी से, जंग शामिल हो जाएं जो भी आना चाहते हैं मेरे संग। यह सुनकर गवारन को जैसे मार गया लकवा, थोड़ी देर के लिए उसने बंद कर दिया झगड़ा, बहुत सुंदर। पहले हास्य व्यंग से एक नए तरीके से कोसने के पैरामीटर्स आपने बताए, और रमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, और बहुत प्रशंसा कर रही हैं आपकी। नीता जोशी जी भी जुड़ी हैं साथ में, और उसके बाद कविता का जिस तरह से रुख मोड़ा है आपने, वो वाकई प्रशंसनीय है, बहुत खूब। अलका माहेश्वरी जी, सुमन माहेश्वरी जी, निशि अरोड़ा जी, सभी आपके सम्मान में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, आपकी कविताएं मन को मंत्रमुग्ध कर रही हैं, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सटीक व्यंग को लिए हुए हैं। और आइए आपकी अगली रचना की ओर चलते हैं। जी प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, हम संकोच कर जाते हैं, लेकिन हमारी जवान फिसल जाते हैं और जो हम कहना चाहते हैं वो हमारे मुंह से निकल जाता है। तो मेरी कविता का छोटी सी कविता है, शीर्षक है जवान फिसल गई। हमारे एक बहुत दूर के क्रूर रिश्तेदार, जो सबके साथ करते थे दुर्व्यवहार, एक बार पड़े बहुत बीमार, तो उन्हें देखने हम पहुंचे अस्पताल, उनसे मिलकर सांत्वना देकर आते आते हमने उन्हें जल्दी स्वस्थ होने की शुभकामना देनी चाही, पर हमारे मुंह में ही अटक गया गेट वेल सून, मुंह से निकल गया गेट हेल सून, जुबान हमारी फिसल गई, क्या करें दिल की बात मुंह से निकल गई। तो ये जवान फिसली थी, लेकिन कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, उनकी समझदारी की बात मैं करती हूँ। कि सिद्धू कहने को है एकदम बुद्धू, लेकिन कई बार दिखलाता है समझदारी। देखो ना, एक बच्चे को पढ़ने भेजा कश्मीर, दूसरे को कन्याकुमारी, कहता है डॉक्टर का कहा मानना चाहिए, दो बच्चों के बीच उचित फासला रखना चाहिए,
बहुत खूब बहुत खूब। और प्रेम बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं एक से बढ़कर एक व्यंग आपके प्रस्तुत हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय हरीश नवल जी लिख रहे हैं दिल की बात, वाह निशा जी बहुत धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। नीता जोशी जी, रामश्री प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, अब मैं झगड़ा तगड़ा सुनाती हूँ कि दुकानदार और महिला का हो गया झगड़ा, छोटा मोटा नहीं बल्कि हुआ तगड़ा। सब जानना चाहते थे आखिर क्या है रगड़ा। असल में महिला लड़ रही थी दुकानदार से, बहस कर रही थी उससे कि जब तेल के साथ है फ्री गिफ्ट तो क्यों नहीं देता उसको गिफ्ट। दुकानदार ने महिला को समझाया बहुत शांति से, पर वह तो आ गई क्रांति पे, पीछे पड़ गई दुकानदार के। आखिरकार दुकानदार बोला खीज कर, मैडम तेल के साथ कुछ भी नहीं है फ्री। तो महिला बोली तेल के डिब्बे पर तो लिखा है कोलेस्ट्रॉल फ्री। महिला की दलील सुनकर दुकानदार सक पकाया, बेचारा कुछ भी जवाब नहीं दे पाया, बेचारा कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। और मुझे बहुत लगता है जो खूब बहुत समय है खूब। उस हिसाब से मैं आखिरी रचना अपनी, जी धन्यवाद प्रीति जी, अपनी आखिरी रचना सुना के विराम दूंगी अपने काव्य पाठ को। जी यह जी है स्वागत है समान आपका। विचार। शादी के नाम से वह ओढ़कर सो जाता था लिहाफ, क्योंकि वह था शादी के एकदम खिलाफ। शादी के नाम से वह ओढ़कर सो जाता था लिहाफ, क्योंकि वह था शादी के एकदम खिलाफ। एक दिन अचानक जब वह शादी करके ले आया दुल्हन, तो सबको लगा मानो देख रहे हो दवा स्वप्न। सबने उसकी तरफ देखा प्रश्नवाचक अंदाज में, सबने उसकी तरफ देखा प्रश्नवाचक अंदाज में, तो बोला हम तो मारे गए लिहाज में। लड़की भी थी शादी के खिलाफ, हम भी थे शादी के खिलाफ। दोनों के विचारों में थी समानता, इसलिए शादी करके हमने दिखलाई महानता, इसलिए शादी करके हमने दिखलाई महानता। मुझे बहुत लगता है खूब निशा समय के जी, अभी अनुसार। आपका समय है, अभी आप एक रचना और पढ़ सकती हैं। अच्छा ठीक है, जी स्वागत एक रचना आपका। और सुनिए जी। मैं एक रचना की जगह दो तीन छोटे छोटे सुनाती हूँ। ये है घनचक्कर। जरूर शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने का बरसों बाद समझ आ गया चक्कर। शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने का बरसों बाद समझ आ गया चक्कर। हर कोई जब तब हमें कहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। और अब आपको सुनाती हूँ कविता नूतन शुभाशीष। जी नई स्वागत नवेली, आपका। जी धन्यवाद। नई नवेली सुंदर रईस, पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू, जब घर में आई तो सभी के चेहरों पर प्रसन्नता छाई। नई नवेली सुंदर रईस, पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू, जब घर में आई तो सभी के चेहरों पर प्रसन्नता छाई। बड़े बूढ़ों के मन में ममता उमड़ आई, उमंग व उल्लास से भर गया घर, भला लगा सभी को बहू का अंदाज और स्वर। सुबह उठते ही उसने बड़े बूढ़ों के पैर छुए तो सब बहुत खुश हुए। सुबह उठते ही उसने बड़े बूढ़ों के पैर छुए तो सब बहुत खुश हुए। उसके सुसंस्कारों से गदगद हुए, श्रद्धा मुताबिक आशीष व उपहार दिए। बहू जब सास के पैर छूने आई तो सास मुस्कुराई, बड़े लाड़ से बहू को गले लगाया और प्यार से समझाया। बड़े लाड़ से बहू को गले लगाया और प्यार से समझाया, बहू ये पैर बैर रहने दो, तुम तो बस जियो और जीने दो, तुम तो बस जियो और जीने दो। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। जियो और जीने दो, ये फलसफा जो है इसकी सभी को जरूरत है, और अगर सभी इस सिद्धांत का पालन करें तो सबकी जिंदगी जो है वो हमेशा ही खुशनुमा बनी रहेगी।
निशा जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया, बहुत ही सटीक व्यंग्य और बहुत ही यथार्थ परक आपकी कविताएं रही, और सामाजिक मुद्दों की तरफ भी आपने ध्यान आकृष्ट किया। आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और आपके आगमन को हमारे पटल के लिए सौभाग्य का विषय मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेती हूँ।